वेतन को लेकर जिलाधिकारी से मिले कर्मचारी। जी हाँ, इकबालपुर के शुगर मिल के कर्मचारी अपने वेतन के लिए पहुंचे अधिकारियों के पास। 7 महीने से नहीं मिल रहा कर्मचारियों को वेतन। इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर आज कर्मचारियों ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की और जल्द भुगतान करने की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि मिल प्रबंधन से कई बार शिकायत के बावजूद भी उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। वहीं विधायक ने कहा, जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते का समय दिया है, यदि इसके बाद कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाता तो उसके बाद उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मुकेश जी, किस तरीके की दिक्कत है? आप डीएम साहब से मिले थे, यहाँ पे क्या है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया, हमें दिक्कत यह है, हमारी 7 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली और 3 साल से हमारे ड्यू नहीं मिले। घर में हाहाकार फैली हुई है सभी कर्मचारियों के, क्योंकि इतने बड़े अमीर आदमी तो है नहीं, तो होते तो नौकरी क्यों करते हैं। बिल्कुल, हमारी मिल में कोई सुविधा नहीं कर्मचारियों के लिए। समय पर वेतन नहीं दिया जाता, ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जाता, ना ही हमारे बच्चों के स्कूल से नाम कट गए ताकि फीस जमे पर नहीं हो पाई, हमारी जमा नहीं हो पाई, नाम कटने से कारण हो पा रहा है। क्या अब जैसे उनको किसानों पे बहुत बड़ा बकाया है, क्या मिल के पास पैसे नहीं है? पिछली बार वहाँ पे छापेमारी हुई थी, काफी वहाँ पे लगा था इनके मिल चोरी वगैरह की, चीनी की चोरी। मिल ने पिछली बार भी 35 लाख की क्रेशिंग की, उससे पहले 70 लाख की क्रेशिंग की थी। ये माल इतना बनाया गया कहाँ, इसका तो पता होना चाहिए कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है। शुगर इंडस्ट्री में कभी घाटा तो नहीं सकता। 25-30 करोड़ रुपए का हमारा पावर प्लांट है, उसकी बिजली भी बिकती है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट क्या चाह रहा है, कंपनी बंद करना चाह रहा है, चलाना चाह रहा है। क्या स्टेप आप लोगों का? हमारा स्टेप ये है, जैसा विधायक जी ने और डीएम साहब ने भी कहा कि 1 हफ्ते का समय दिया, तो विधायक जी हमारे साथ आंदोलन में रहेंगे, आंदोलन करे किया जाएगा, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। रोड भी जाम होगा जी, जब परिवार में मरने की स्थिति हो रही, भूखा मरने की, तो वहीं पे बैठ के मरना मंजूर है हमें। क्या क्या समस्या है? ये सब लोग हमारे इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारी हैं, पिछले 7 महीने के लगभग से इनकी सैलरी नहीं मिली है, इसी वजह से ये परेशान थे। सुबह इनमें से कुछ व्यक्तियों का मेरे पास फ़ोन आया, प्रॉब्लम इनकी जेन्युइन है, बेचारे परेशान है काफ़ी टाइम से। अगर मजदूर को एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उनके घर का चूल्हा नहीं चलता है। पता नहीं किस तरह से उधार सुधार लेके दुकानदारों से अपना काम चला रहे थे। तो मुझे सूचना मिली, मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की, पता चला कि जिलाधिकारी महोदय आज नगर निगम रुड़की में तहसील दिवस के कार्यक्रम में है। तो सब लोग मेरे साथ आए, इन्होंने अपनी बात रखी और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनका भुगतान करा दिया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इनका भुगतान नहीं किया गया, इनकी सैलरी नहीं गई, तो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और हम इनके साथ धरने पर बैठे। इकबालपुर शुगर मिल पे किसानों का भी बहुत बड़ा बकाया है अभी। बहुत बड़ा, किसानों का बहुत बड़ा बकाया सरकार की जानकारी में है, तो निश्चित रूप से मिल चलने का भी समय आ रहा है। मिल चलने से पहले अगर किसानों का भी भुगतान नहीं किया गया तो उसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।